हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या बच्चों के टिफिन के लिए कभी भी बना सकते हैं। इस रेसिपी का नाम है टमाटर का स्टफ पराठा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, इसे हम बहुत ही आसानी से बनाना बताएंगे। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। आटा हमने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है, इसे हम ट्रे में ले लेंगे। आटा को छान लेना बहुत जरूरी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे। आटा में कोई नया टिप्स नहीं है, जो हर पराठे के लिए लगता है वही हमें अपनाना है। तो हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हाथ से ही हम मैस ले रहे हैं। पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा गीला हो सकता है। हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को मसल मसल के एकदम स्मूथ डो तैयार कर लिया है। कभी भी आप आटा को मसलें तो हाथ को ऐसे करके इसे प्रेस करें, बहुत ही आसानी से ये आटा तैयार हो जाता है। अब हम इसे ऐसे रोल कर लेंगे और कवर करके इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक अपना आटा सेट हो रहा है तब तक हम टमाटर की स्टफिंग बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने गैस पे एक कढ़ाही में 1 चम्मच यानी कि बड़ा चम्मच तेल डाल रखा है। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लिए हैं। अब हम उसमें 2 बड़ा कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने एकदम बारीक बारीक काट रखा है। प्याज को हम तलाते हुए सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। फिर हम मीडियम पे ही भूनेंगे क्योंकि हमें प्याज को सॉफ्ट करने के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट डालने होंगे। आप देख सकते हैं अपना प्याज जो है हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ अदरक। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें लहसुन डालेंगे जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। 2 हरी मिर्च, इसे भी हम बारीक बारीक काट लिए हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम प्याज के साथ 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भून लेंगे, यानी कि लहसुन का कच्चापन चले जाना चाहिए। इसे चलाते हुए भूनेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च भून चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे अपना टमाटर। तो हमें टमाटर से ही ये स्टफिंग तैयार करनी है। तो हम 5 बड़े बड़े टमाटर को एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब हम इसे भूनेंगे। तो टमाटर भूनने के लिए हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे क्योंकि टमाटर से पानी निकलता है। टमाटर जब हम डाल ही दिए हैं तो उसमें हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लेंगे क्योंकि टमाटर गलने में नमक सहायता करता है। तो हम स्वाद के अनुसार यहाँ नमक डाल लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम करके इसे चला के गलाएंगे। टमाटर को गलने में 3 से 4 मिनट लगता है, फ्लेम तेज हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टमाटर पराठा बनाने के लिए हमें टमाटर को एकदम गला लेना है। पांच
से 6 मिनट लगा हमने चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे टमाटर को गला लिया है। अब ध्यान से देखिए टमाटर ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है और चटपटी बनानी है तो हम थोड़ा मिर्च की मात्रा ज़्यादा ही डालेंगे। और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। मसाला को हम 2 मिनट तक टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। मसाला को हमने भून लिया है, खुशबू अच्छी आने लगी है। अब हम इसको ड्राई बनाने के लिए इसमें डालेंगे चने का सत्तू, यानी कि रोस्टेड चना को आप मिक्सर जार में डाल के पीस सकते हैं, फिर छान सकते हैं, या तो ये मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पे आप बेसन को थोड़ा सा रोस्ट करके और डाल सकते हैं। तो हम इसे 4 चम्मच इसमें डालेंगे। ये सत्तू जो है टमाटर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा। सत्तू डाल के हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं अपना स्टफिंग जो है एकदम ड्राई ड्राई हो गया। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने धनिया पत्ता सत्तू के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया, तो ये अपना टमाटर पराठा के लिए स्टफिंग तैयार है। इसे हम ठंडा कर लेंगे फिर आपको बताएंगे। स्टफिंग को ठंडा करके हम एक बॉल में ले लिए हैं। अब चलिए हम आटा चेक कर लेते हैं। आटा का हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं, तो आटा अपना सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन फिर हम इसे 2 मिनट तक ऐसे मुट्ठी से मसल लेंगे, ये और भी स्मूथ हो जाएगा। तो इसमें जब हम पराठा भर के बनाएंगे तो फटेगा नहीं और अच्छे से फूलेगा भी। आटा को हमने मसल लिया है, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे। इसमें 5 पराठा तैयार करेंगे। एक साइज के हम बॉल्स तोड़ ले रहे हैं। अब इन बॉल्स को हम गोल कर लेंगे। तो ऐसे हम हथेलियों पे मसलते हुए लोई तैयार करेंगे। पराठा बनाने के लिए हम रोटी से थोड़ा सा बड़ा लोई तोड़ते हैं, क्योंकि हमें अंदर इसमें स्टफिंग भरनी होती है। हमने लोई तैयार कर लिया है। अब हम साइड में थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे डस्ट करने के लिए। अब हम एक बॉल्स को उठाएंगे और आटा में ऐसे डस्ट करते हुए दोनों अंगुलियों के बीच से हम, यानी कि अंगूठी की मदद से हम इसकी एक कटोरी बनाएंगे, ऐसे घुमाते हुए। पीछे से हम अंगुली से मदद देंगे और बीच में अंगूठा प्रेस करेंगे, तो ये कटोरी बन जाता है। अब देख लीजिए, बीच में हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे बेलन से फैलाना होता है। तो ये अपनी कटोरी बन गई। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो ये है अपना स्टफिंग। अब हम 1 चम्मच से स्टफिंग लेंगे और इसके बीच में हम ऐसे प्रेस करते हुए रख लेंगे। तो हम जितना अच्छे से स्टफिंग भरेंगे उतना ही ये पराठा जो है टेस्टी लगेगा। आपने टमाटर पराठा बनाया होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो एक बार ज़रूर बना के देखिए। ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने अंगुलियों की मदद से मुंह को ज्वाइंट कर लिया। एक्स्ट्रा डो हम निकाल लेंगे और फिर वापस हम इसे ऐसे गोल कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से अपना स्टफिंग भरा गया है। अब हम फिर इसे सूखे आटे में ऐसे डस्ट कर लेंगे और दोनों हथेलियों से ऐसे प्रेस करेंगे और इसे जितना हो सके हम अंगुली की मदद से फैला लेंगे। इससे क्या होगा, चारों तरफ अपना स्टफिंग एकदम इक्वल फैल जाता है। तो हमने अंगुलियों से फैला के इतना बड़ा पराठा बना लिया। अब हम रोटी बनाने वाला चौकी लेंगे, इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा ऐसे डस्ट करेंगे और उस पे हम अपने ये पराठे को ऐसे निपटा लेंगे। फिर बेलन की मदद से हल्के हाथों हम इसे फैलाएंगे। ज़्यादा पराठे पे प्रेस देके नहीं फैलाया जाता है, नहीं तो स्टफिंग निकल के बाहर आने लगता है। तो हम ऐसे हाथ से घुमाते हुए बेलन की मदद से इसे पराठे का शेप दे देंगे। आप जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसे बेल लीजिए। ऐसे हमने उलट पलट के पराठे को फैला लिया। आप देख सकते हैं एकदम आलू पराठे की तरह पतली सी अपनी ये टमाटर पराठा तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक पैन रख लिया है, आपको कंफर्टेबल लगे तो तावा रखिए या फ्राई पैन रखिए। हमें क्या है, तेल के छींटे बाहर ना जाएं, इसके लिए फ्राई पैन में ही पराठा बनाने का मजा आता है। तो आपकी मर्जी, आप तावा पे भी बना सकते हैं और ऐसे नॉन स्टिक फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। पैन को हमने हीट कर लिया है, अब हम इसमें पराठा को धीरे से ऐसे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम एक साइड से इसे 1 मिनट तक सेक लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। 1 मिनट हो चुके हैं अपने पराठे सिकते हुए। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल लेंगे, तेल को हम ऐसे किनारे किनारे फैलाते हुए डाल लेंगे। यहाँ पे हमने मस्टर्ड तेल डाला है, आपको रिफाइंड या बटर जिसमें बनाने का मन हो बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसे ऐसे घुमा लेंगे कि तेल चारों तरफ नीचे फैल जाए। फिर हम स्पेशला की मदद से इसे फ्लिप करेंगे। तो आप सावधानी से इसे ऐसे फ्लिप कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, एक साइड से अपना पराठा एकदम बढ़िया कलर में सीक चुका है। तो हम दूसरे साइड से भी इसे 1 मिनट तक सेक लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, वापस हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे स्पेचुला से इसे घुमाते रहेंगे। तेल अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा। पैन में बनाने का यही फायदा है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल के छींटे अपने किचन में नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपना टमाटर का फूला फूला पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसे अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं और देख सकते हैं ये टमाटर का पराठा फुला फुला बनकर तैयार है। ऐसे ही हम बाकी के पराठे बना के तैयार कर लेंगे। टमाटर पराठा बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और खाने में इतने भी जबरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये पराठे की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।